हेलो हरी हरी हेलो हरी हाँ। जब मैं यहाँ से गुजरात गया तब ये गाय ब्रीडिंग करवाई इसकी गोटिया से, लेकिन अभी फिर से हिट पे आ गए हैं। और हमारा जो गोटिया है उसकी दिक्कत यही होती है कि दो तीन दिन यहाँ रहता है और सीधा भाग जाता है। तो आज जो है कि फिर से भाग गया है, और अभी जो है कि हमारे पास बाइक भी नहीं है, तो अभी मैं और सूरज भाई दोनों को पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि आज जो है कि दो गाय हिट पे है। एक जो ये वाली गाय हिट पे है और ये वाली भी हिट पे, ये दोनों जो गाय है वो दोनों हिट पे है। और अपना जो गड्ढा है वो कुछ ब्रीडिंग करता है नहीं, वो तो आपको भी पता है, और छोटा भी ब्रीडिंग नहीं करता है। छोटा जो है कि सूरज भाई बोले मैं अभी दो तीन दिन पहले लाया था और फिर भाग गया, बोले लाया और तुरंत ही भाग गया। तो अभी जो है कि हरी भाई पशु आहार लेने के लिए गए हैं, तो हमारे पास जो है कि बाइक नहीं है, तो अभी फिलहाल जो है कि हम पैदल जाने वाले हैं। तो अभी पैदल यहाँ से लगभग जो हमारा मामा का घर है, कितना है पता है आपको? यहाँ से हमारा मामा का जो घर है वो 2-2.5 किलोमीटर है। तो अभी 2-2.5 किलोमीटर पैदल जाना है, अगर बीच में कोई गाड़ी मिल जाती है तो बैठ के जाएंगे, नहीं तो वहाँ तक हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। तो अभी चलो फिर आते हैं। बाकी जो है कि चारा लेके आए हैं, फ्लावर है और कुछ उसका पाला है, ये साइड जो है कि गन्ना है, हम गन्ना भर के लाए थे वो। तो अभी फटाफट से निकलते हैं फिर। पहले जो है कि यहाँ पे बहुत दिक्कत देते थे, तो इसकी वजह से क्या है कि ये साइड को जो है कि कांटा लगा दिया है, और यहाँ पे जो है कि ये खटिया लगा दिया, और ट्रैक्टर ऐसा टेढ़ा करके रख दिया है। तो माला भाई जो है कि अभी फिलहाल जो है कि माला भाई यहाँ पे है, तो अभी माला भाई जो है कि गाय की ध्यान रखेंगे। वैसे तो गाय इधर ये साइड को आएंगे नहीं, और हमारा जो हरी भाई है वो अभी पशु आहार लेने के लिए गया है। तो अभी यहाँ से अभी हमें लगभग पैदल ही जाना पड़ेगा, कुछ गाड़ी मिलने वाली नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। सामने जो है कि सूरज भाई जो है कि हाथ में जो है कि डोरी लेके खड़ा है, क्योंकि आते टाइम जो है कि उसको बांध के लाना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा होगा गाड़ी के पीछे इतना फास्ट दौड़ रहा था, आगे यू टर्न मार के फिर ऑफिस भाग रहा था। तो फिर इस बार क्या करेंगे, रस्सी बांध देंगे और हाथ में पकड़ के उसको लाएंगे। क्या बोलते सूरज भाई? हाथ में पकड़ के लाएंगे, हाथ में नहीं, रस्सी से बांध के रस्सी हाथ में पकड़ के लाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ से इतना दूर पैदल जाने का, किसकी गाड़ी ले लेने की? तो क्या यार गाड़ी, अरे यार चल तू अभी पैदल जाएंगे। ठीक है, व्यायाम होगा। ऐसे फ्रेंड दोपहर को व्यायाम करता है क्या? अभी वैसे भी देख सकते हो आप, अभी बज रहे हैं 4:30, अभी आधे घंटे में जो है कि मिल्किंग का भी टाइम हो जाएगा, और ये सुन नहीं रहा है। ये बोल रहा है अगर अभी जो अगर गोटिया को आप नहीं लाए तो जो गाय है वो जो हीट है वो छोड़ देंगी। तो मैंने बोला ठीक है चल पैदल जाके लेके आएंगे। चलो अभी फटाफट से चलते हैं और लेके आते हैं। गाड़ी अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर पैदल ही जाना पड़ेगा हमें मामा के घर। अभी पीछे कुछ अरे वो ट्रक में बैठ के, हाँ ट्रक हाँ आया, देख ट्रक आया। इसको तो चले नहीं जा रहा, दौड़ दे फटाफट। ये किसकी गाड़ी आ रही? कौन सी, कौन क्या मालूम कौन है, निमन चाचा की। और यहाँ देख सकते हो सब HF गाय है, पूरे के पूरे HF, हुंडी गाय है, HF सिंगड़ी नहीं है, और उसको सब HF गाय है और उसको सिंग नहीं है, दो गाय को सिंग है। और ये साइड को है मेंढरा, क्या बोलते हैं उसको, भेड़िया। तो अभी हम ज़्यादा दूर नहीं है, और सामने जो है कि आपको एक नारियल का पेड़ दिख रहा होगा, वहाँ तक हमें पैदल जाना है। वो सामने दिख रहा है मामा का घर, अब मामा के घर के पास ही पहुँचने ही वाले हैं, और यहाँ तक पहुँचने में हमें कितना टाइम लगेगा? बहुत घंटा गया, आधा घंटा से ऊपर हो गया, आधा घंटा तो हो ही गया। बीच में दो तीन जगह पे जो है कि यहाँ के किसान भाई वो हमारे मित्र है, तो वहाँ पे हम दो तीन जगह पे रुक गए थे, बीच में एक दुकान है वहाँ पे रुके थे, तो इसकी वजह से टाइम पास हो गया। नहीं तो अभी तो कब का हम जो है कि मामा के घर पे होते। वो रहा मामा का घर, और ये जो है कि अंगूर का बगीचा, ऊपर से जो है कि इसके ऊपर ये क्या है, नेट है, इसके ऊपर नेट डाला है, वो इंटरनेट वाला नेट नहीं है, दूसरा नेट है, जिसकी वजह से जो अंगूर जो है उसको धूप अगर लगती है तो अंगूर जो है उसके जो दाने हैं उनको क्रैक आता है, तो उसकी वजह से नेट मारा है, जिसकी वजह से उस अंगूर को छांव रहे। अभी टाइम हो गए हैं मिल्किंग का, तो मामा तो जो है कि वो उनकी भैंस का मिल्किंग करते होंगे, भैंस उनके पास ज़्यादातर भैंस है, गाय कम है। कितने गाय मामा के पास? गाय दे दिए पूरे पूरे दे दिए
तो अभी अपना गड्ढा है अपना गोटिया, अभी गोटिया को क्यों लेके गए फिर पूरी गाय दे दी? मामा किधर लेके जाते हैं? भाग के आता है। हाँ हाँ, मामा लेने को नहीं आते, वो गोटिया जो है वही भाग के आ जाते हैं। फिर बार बार हमें लेने को आना पड़ता है, बार बार। अभी तक तो बहुत बार लेके गए। मामा को कुछ गरज नहीं है, मामा के पास एक ही गाय है, देखो खांडी गाय है, एक ही गाय है मामा के पास। मुर्गी मुर्गी मामा घर आई गयो अपन फाइनली। तो फाइनली जो है कि अभी हम यहाँ मामा के घर पे पहुँच गए, हो रहा सामने गोटिया। अभी जो है कि मामा के पास तो पूरे भैंस ही भैंस है, गाय जो है कि भरत भाई के पास है, तो बार बार भरत भाई लेके आते हैं गोटिया को। और भरत भाई हम दे दीजिए वो गोटियों ले आवे, अरे ले आना है तो तर गोटियों भाग गया भाई, गोटियों भाग गया भरत भाई के अंत में गोटिया भाग। तो फिलहाल जो है कि अभी भरत भाई तो यहाँ पे गाय की कर रहे हैं मिल्किंग, और सामने रहे हैं पोपट मामा, और उनके जो भैंस है उनकी तो मिल्किंग हो गई है ख़त्म। हेलो तो ऊपर, और ये भरत भाई की जो गाय है ये भी हिट पे है, लेकिन पड़े क्यों? हाँ तो इसकी जो ब्रीडिंग है हो गई है, तो अभी फिलहाल उठ गोटिया चल बन दिन, तो ले 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 फटाफट। भरत भाई दो बजे एक बाइक ही है, तू बाइक है? भरत भाई ने तो अभी स्टार्ट किया है मिल्किंग करना, और हमें हमारे तो पूरे ऐसे बाकी है, पूरी गाय की मिल्किंग करना है भाई। तू ये इसको ले क्या, कौन सी गाय? हाँ तो ये गाय जो है कि रास्ते पे मिल्किंग कर रहे थे, उसकी वजह से अभी थोड़ा थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है वेट कर लेंगे, बाद में लेके जाएंगे इसको, बाद में बोले तो 5-10 मिनट पहले, बाद 5 मिनट के बाद, 5 मिनट में भरत भाई की जो गाय है उसका मिल्किंग खत्म हो जाएगा, बाद में लेके जाएंगे। हेलो गाइज, क्या आप भी सोचते रहते हो कि कैसे डेली का कुछ कमाया जाए? तो गाइज आप सबकी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, 1xBet ऐप, जो कि वर्ल्ड का मोस्ट ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है, जहां पे आप अपनी सभी मनपसंद गेम और वर्ल्ड की सभी लाइव मैच जैसे कि क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे सभी गेम पर बेट लगाकर जीत सकते हो लाखों का कैश। तो अभी मेरे दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करो और रजिस्टर करो। रजिस्टर करते वक्त मेरा प्रोमो कोड जैसे कि Jagdish10x लगाना मत भूलना, इससे सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर को मिलेंगे पूरे 26,000 का बोनस। बस गाइस, बोनस पाने के लिए आपको मिनिमम 100 रुपये अपने 1xBet अकाउंट में डिपॉजिट करने होगी, तो है ना बहुत सिंपल। तो डाउनलोड करो 1xBet ऐप, क्योंकि सपने सिर्फ यहीं पूरे होते हैं। तो सुरेश भाई जो है गोटे को लेके आगे आ गए था, और मैं मामा के साथ पीछे से बाइक पे आया, क्योंकि मामा को भी दूध जो है लेके जाते हैं डेयरी में, तो सुरेश भाई और मामा दोनों साथ में जाते, तो मैं उनके साथ आया था। सुरेश भाई जो है वो गोटे लेके आगे आ गया था, गोटिया तो अभी बांध दिया है फिलहाल, मिल्किंग करके फिर उसको छोड़ के ब्रीडिंग करेंगे। और ये गोटे देखो, ये गड्ढा देखो कैसा करा गड्ढा, तो फिलहाल जो है कि दूध वगैरह डेयरी में डाल के हम वापस आ गए हैं, और हमारे जो पोपट मामा है वो चले गए घर पे, और हमारा तो सुरेश भाई हो अभी जो कि गाय की ब्रीडिंग करवा रहा है, और अभी बज रहे हैं रात के 10, क्योंकि सुबह जो है कि हीट छोड़ देंगे नहीं तो फिर। ये है वो गोटियाराम सावले, ये गोटिया एक सुरेश भाई ने जो है कि गोटे को रस्सी से बांध के रखा है, तो भाग जाएंगे फिर से टेम्बले पे भाग जाएंगे। अभी सुरेश भाई आप ब्रीडिंग करवा लो, मैं जा रहा हूँ सोने को। और ये जो है कि ट्रैक्टर अभी तक खाली नहीं किया, अरे भाई ट्रैक्टर खाली नहीं किया, करने का है। कब करने का है? सुबह करना है। ओके माला भाई, माला भाई यही था ना? हाँ माला भाई चलो, माला भाई चलो सो जाओ, गो टू कल्टी। ये देखो हमारा यहाँ पे गड्ढा जो है कि वो देखो कैसा कर गड्ढा है, गड्ढा हट, वैसा बोल रहा है तू, खाली मेरे को छोड़ के दे अभी, बस हो गया चल गड्ढा, तू बुड्ढा हो गया। तो अभी खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं, मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो फिलहाल जो है कि मिल्किंग का काम जो है यहाँ पे पूरा खत्म हो गया है, लास्ट वाली जो है कि एक लास्ट वाली जो बाकी है, तो हमारा जो सुरेश भाई है वो मिल्किंग कर रहा है। माला भाई दो हो गया, अरे माला दो हो गया, एक बाकी है नहीं? ओके अभी तक जो है कि एक गाय की मिल्किंग अभी तक बाकी है, और कहाँ गए
गोटिया जो है कि शाम को अभी ब्रीडिंग हुआ है क्या नहीं वो तो मुझे पता नहीं था। शाम को सुरेश भाई वहाँ पे खड़ा था, मैं तो जल्दी सो गया था। तो अभी सुरेश भाई को पूछेंगे अगर ब्रीडिंग नहीं हुई है तो फिर से अभी जो गाय है उसको उधर बांधना पड़ेगा। और सामने जो एक पेड़ दिख रहा है वहाँ पे फिर ब्रीडिंग करवाएंगे, क्योंकि दो तीन बार ब्रीडिंग करवाई लेकिन वो जो है कि फिर से हिट पे आ रही है। तो इसकी वजह से इस बार गोटे लाएंगे तो फिर से ब्रीडिंग करवाना पड़ेगा। और यह साइड को जो है कि हमारा हरी भाई है, हरी भाई जो है कि पाला जो है फ्लावर का पाला है वो कर रहा है खाली। तो आधा जो ट्रैक्टर है वो शाम को खाली करते हैं और आधा जो है कि सुबह करते हैं, क्योंकि शाम को जो करते हैं ज़्यादातर तो जो है कि खाते कम है और उसके पैर से कुचल ज़्यादा देते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या करते हैं ट्रैक्टर में रहने देते हैं, ये अभी खाली करेंगे। अभी दूध वाली जो गाय है उनको अभी छोड़ देंगे और जो बिना दूध की है उनको थोड़े लेट छोड़ते हैं, क्योंकि इतने सारे गाय इसमें आ जाते हैं बाद में जो है कि अंदरों अंदर झगड़ा वगैरह करते हैं तो सब पैरों से कुचल देते हैं, नहीं तो खाना तो बहुत है सबका हो जाएगा लेकिन कुचल ज़्यादा देते। तो पहले आधे घंटे दूध वाली गाय छोड़ते हैं, बाद में सब गाय छोड़ देते हैं। तो अभी जो है कि थोड़ी देर से अपन गोटे को छोड़ के फिर से ब्रीडिंग करवा लेंगे, पहले सुरेश भाई को पूछना है। और दूसरा काम आज हमारा ये है कि ये वाला जो गोबर है उसको फैलाना है, थोड़ा बहुत फैलाएंगे क्योंकि ये वाला जो अभी तक इस साल जो है कि ज़्यादा गोबर हमने सेल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता है। अब अगर ऐसा गीला ही अगर हमने पूरा ये गोबर ऐसा ही निकाल दिया तो इसमें से लगभग छः ट्राली बोले तो ट्रैक्टर की छः ट्राली भर जाएंगी इसमें। अगर यही गोबर हमने सूखा के सेल किया तो उसकी 10 ट्राली भरेंगी, तो उसकी वजह से हमें टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं और माला भाई गुजरात में है, यहाँ पे हमारा हरी भाई और महेश भाई और सुरेश भाई तीनों है, तो तीनों से इतना काम जो है वो एडजस्ट गाय का ही चारा वगैरह में पूरा मिल्किंग चारा फिर यहाँ से गोबर इकट्ठा करना उसमें जाता है। तो फिर वो जो है कि गोबर को ऐसा फैला के सुखाते नहीं है। तो अभी दो तीन दिन हम यहाँ पे काम से आए थे तो थोड़े बहुत उनको हेल्प कर देते हैं। तो अभी चलो फटाफट से जो है कि थोड़ा बहुत काम है वो निपटा देंगे। ये वाली गाय जो है कि हिट पे थी गा रहे हैं सही जी हैं ओके फटाफट बांध दे। तो हमारा जो महेश भाई है वो अभी छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको फटाफट से बांध देंगे और हमारी जो लास्ट वाली गाय है उसकी मिल्किंग हो रही है वो खत्म हो जाएंगे। अभी इसकी मिल्किंग आनी कर दी थी ने हाँ इसकी मिल्किंग हो गई है और ये बात कभी कभी मारती है कुहाड़ी वो देखो उसका कुछ भरोसा नहीं, अगर आई तो यहीं पे मार सकती हो। तो ये जो है कि अभी सूरज भाई और महेश भाई दोनों मिलके यहाँ पे जो कांटा है वो ऐसे लगा रहे हैं जिसकी वजह से जो गाय है वो अंदर से बाहर ना आए, नहीं तो बार बार आते हैं पशु आहार खाने के लिए। और गड्ढा को तो अभी छोड़ा ही नहीं है, गोटिया को उधर बांध दिया है क्योंकि यहाँ से गड्ढा को छोड़ा जाके गोटिया को मारेंगे और गोटिया तुरंत ही भाग जाएगा। गोटिया कितने दिन रुकता है सूरज भाई अभी इधर अपने घर पे इधर अभी भी भाग जाएंगे अभी छोड़ा के भाग जाएंगे क्योंकि ये वाला जो है ना गड्ढा बहुत मारता है उसको तो तीन दिन तो बहुत ज्यादा तीन दिन से ज्यादा रुकता ही नहीं है सीधा कल्टी मार देता है कांटे लगा दिए फिर भी भाग जाता है। अभी जो उस गाय कहाँ पे गई हाँ गाय छोड़ दी है अंदर उसकी ब्रीडिंग जो है उसकी ब्रीडिंग हो गई है। हम यहाँ पे जिस काम से आए थे वो काम जो हमारा है वो हो गया है खत्म। अभी जो हमें है कि जो गोबर है वो थोड़ा फैलाना है। सभी को मैं बता दूं कि बहुत सारे दोस्त जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता ही है कि मेरा एक नया सॉन्ग आने वाला है, लेकिन जो यूट्यूब के मेरे कुछ दोस्त हैं उनको नहीं पता है। तो मैं बता दूं कि मेरा एक नया सॉन्ग आने वाला है, मस्त मजाना एकदम जोरदार गुजराती सॉन्ग है। तो बस अभी कल या परसों दो दिन में जो सॉन्ग आ जाएगा, जैसे आएगा तो मैं जो लिंक है वो यूट्यूब की स्टोरी पर लगा दूंगा। और लगभग तो आप अगर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं करते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, जो भी नया लेके आता हो तो उसके अपडेट में पहले इंस्टाग्राम पे दे देता हूँ। तो आप अगर इंस्टाग्राम पे मुझे ये फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है जगदीश जोगराना 81 82, फेक आईडी भी बहुत सारी है लेकिन मेरी ओरिजिनल आईडी पे लगभग मेरे ख्याल से तो इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर जो है वो करीबन 2 लाख के आजू बाजू है, 2 लाख में कुछ 2000 कम है। तो वो जो आईडी है वो मेरी रियल है, इसको देखो। अरे घोटिया अरे डर रहे हो तुम मुझसे? अरे उसकी उसकी मम्मी कहाँ गई? वो देखो वो वहां से उसने आवाज सुन लिया वो देखो आ रही। अरे अरे कहीं ना उभी रे कहीं ना ते आए सुन उभी रे ले अरे अरे हाँ कहीं ना कहीं रुक यहीं उभी उभी रे उभी रहे हाँ
तो चलो अभी बहुत सारा काम है, गोबर भी फैलाना है और गाय भी जो बिना दूध की वो भी छोड़नी है। हरी भाई तो जो है कि ट्रैक्टर भरने के लिए गए हैं, तो इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, मिलते हैं कोई नए ब्लॉग में। ये देखो छोटे बच्चे ने आवाज़ दिया तो पूरी गाय यहाँ पे आ गई। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कोई नए ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा। अरे